जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव। तो आज का सेशन की शुरुआत हो रही है। पीछे राम मंदिर का मॉडल आप देख ही रहे होंगे और प्रभु का नाम भी लिखा हुआ है। और आज एक एमसी की कॉम्पिटिशन सुप्रीम क्लासेस में ऑर्गेनाइज होने वाला है, बॉयज वर्सेस गर्ल्स। बॉयज क्या ले रहे हैं आप लोग? कोई ने 10 आइए 1 2 3 स्टार्ट। ठीक है, गैस करो क्या आया होगा। चलिए हेड ही आया होगा, बिल्कुल सही बात है। तो अब क्या ऐसे था बेटा हाथ। तो टॉस कौन जीता माय डियर? गर्ल्स। तो गर्ल्स से स्टार्ट होगा क्वेश्चन। तो गर्ल्स हमारे देखो माय डियर, कंडीशन ये है कि 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो आपको नहीं आएगा उधर ट्रांसफर हो जाएगा, जो आपको नहीं आएगा इधर ट्रांसफर हो जाएगा। ऑलराइट, ये रूल है। और 20 क्वेश्चन में से पहला प्रश्न हमारा ये आपको बताना है, राजा दशरथ के पिता का नाम क्या था? फर्स्ट ऑप्शन है का हरिश्चंद्र, अज, बलि। हरिश्चंद्र चौरे आप कान लगाए जाए ये ऑप्शन पे। बिल्कुल गलत जवाब बॉयज, पहले ही जवाब गलत। राजा दशरथ के पिता का नाम हरिश्चंद्र, अज या बलि? अज इज द राइट ऑप्शन। क्या बात है। एक बार जय श्री राम बोल दो। गर्ल्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, लव और कुश की परवरिश किस ऋषि के आश्रम में हुई थी? सर पता है क्या? हमने संदीपन ऋषि के यहाँ पे हुई थी, ऋषि शुक्राचार्य के यहाँ हुई थी, ऋषि वाल्मीकि के यहाँ। कहाँ, किसके यहाँ पे? ऋषि वाल्मीकि। श्योर एकदम? ऑप्शन सी पर ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब, क्या बात है। ठीक है, गर्ल्स को खाते में 2 अंक। नेक्स्ट क्वेश्चन बॉयज से है, रामायण महाकाव्य की रचना किसने की? रामायण महाकाव्य की रचना किसने की? हु रॉट द लिटरेचर ऑफ रामायण? दैट इज वेदव्यास, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि वाल्मीकि। वेदव्यास, विश्वामित्र, वाल्मीकि। ऑप्शन सी वाल्मीकि, ताल लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब, क्या बात है। अबे तालियां तो बजा दो, कॉम्पिटिशन ज्यादा कि टेस्ट चल रहा है आप लोग। अरे सन नौकर बैठे हुए लगे किसे सूद गुद दिए। गर्ल्स रेडी है आप लोग? एक बार जय श्री राम तो बोल दो। राजा दशरथ की कौन सी रानी उनके साथ युद्ध में भाग लिया करती थी? कौशल्या, मंडोदरी, ए गई, सुमित्रा। मुझे लगा बोला करता था। कौशल्या, मंडोदरी, के गई। मंडोदरी, के गई या सुमित्रा? ज़्यादा टाइम नहीं लगाने में आएगी। 10 8 7 6 5 4 3 2 1 बता दिया भाई। राजा की कौन सी रानी युद्ध में भाग लिया करती थी? कौशल्या, मंडोदरी, के गई। क्या बोला? केकई। चलिए सही जवाब, ठीक है, ताला लगा। सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। दशरथ की रावण की भगवान क्या होगा देश का। आइए
वॉइस एक बार हो जाए, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। The boys, ये है पावर बॉयज की, गर्ल्स लोग भी अच्छा बोलते हैं। आप इधर देखिए, श्री राम और माता सीता के कितने पुत्र थे? ऑप्शन पहला एक, दो, तीन। ऑप्शन ए, तीन। फाइनल एक, चलिए ऑप्शन ए पर तल लगाया जाए। सोच लो अच्छे से, मैं बी है, बी। कितने पुत्र थे? कैन यू गेस द नेम? लव एंड कुश। ताल लगाया जाए ऑप्शन बी पे। सही जवाब, क्या बात, बहुत शानदार, तालियां। ठंड में तालियां बजाओ तो बहुत मजा आएगा। नेक्स्ट गर्ल्स, द गर्ल्स, एक बार हो जाए, जय श्री राम, जय श्री राम। उनकी पिच बहुत ज्यादा होती है, बॉयज लोगों का जो साउंड होता है वो बहुत लाउड होता है, उनका पिच बहुत शानदार होता है, पिच चीखने वाला। नहीं अच्छा बोलते। उर्मिला और लक्ष्मण जी के पुत्रों के क्या नाम थे? उर्मिला जी और लक्ष्मण जी, बहुत आर द सिबलिंग्स, ठीक है, सिबलिंग्स मतलब हस्बैंड वाइफ। अंगद धर्म केतु, सेकेंड ऑप्शन है का लव और कुश, थर्ड ऑप्शन है का भरत और शत्रुघ्न। लव कुश, भरत शत्रुघ्न, अंगद और धर्म केतु, दोनों ऑप्शन एक ही है, धर्म। चलिए एक ऑप्शन ए पर तल लगाया जाए, धर्म लक्ष्मण और उर्मिला के पुत्र के नाम बिल्कुल सही है, क्या बात है, बहुत शानदार, बहुत शानदार। लिख रहे हैं आप लोग बच्चे, लंकापति रावण की सेनापति का नाम क्या था? बॉयज आपसे हमारा प्रश्न है, लंकापति रावण की सेनापति का नाम क्या था? अग्निबाहु, सहस्त्र, महिषासुर, अहि रावण। अगेन आई रिपीट, अग्निबाहु सेनापति का नाम बताना है, ऑल राइट, ब्रह्म महिषासुर या अहि रावण। देखो महिषासुर, प्रहस्त्र, प्रहस्त्र या अहि रावण, महिषासुर, प्रहस्त्र या अहि रावण। प्रहस्त्र, महिषासुर, अहि रावण। ऑप्शन प्रहस्त्र बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन महिषासुर, डी ऑप्शन अहि रावण। वन टू थ्री फोर, प्रहस्त्र। शोर एकदम, ताला लगाया जाए, बिल्कुल सही जवाब, क्या बात है, प्रहस्त्र। वानर राज सुग्रीव, गर्ल्स अगला क्वेश्चन, वानर राज सुग्रीव की पत्नी का नाम क्या था? मीरा, रूमा, अहल्या। मीरा, रूमा, अहल्या। टेन, नाइन, एट, सेवन, सिक्स, फाइव। बोल तो नहीं सकते। रूमा, फाइनली रूमा पे ताल लगाए जाए। बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन कौन सा रहेगा? ताड़का राक्षसी होने से पूर्व क्या थी? बॉयज, ताड़का राक्षसी होने से पूर्व क्या थी? देवी थी, यक्षिणी थी, यक्षिणी, गंधर्वी, देवी, यक्षिणी, गंधर्वी, ताड़का राक्षसी। ताड़का राक्षसी, देखो देवी, यक्षिणी, गंधर्वी,
यक्षों की जो धर्म पत्नी उनको यक्षिणी बोलते हैं। गंधर्वी का मतलब गंधर्वों की धर्म पत्नी। दिस इज द सिबलिंग्स। ऑलराइट, सो राइट ऑप्शन क्या है? देवी, यक्षिणी, गंधर्वी। यक्षिणी इज द राइट ऑप्शन। मंदोदरी किसकी पत्नी थी? गर्ल्स, विभीषण, लंकापति, मेघनाथ। लंकापति लॉक कर दे। सही जवाब। क्या बात है, जय श्री राम। ऐसा लग रहा जय श्री राम। बॉयज, मंदोदरी के प्रथम पुत्र का नाम बताइए। सहस्त्रबाहु, जिसकी 100 भुजाएं थी, अक्षय कुमार, मेघनाथ, नरांतक। प्रथम पुत्र का नाम, रावण के पहले बेटे का नाम, नरांतक, सहस्त्रबाहु, अक्षय कुमार या मेघनाथ? अक्षय कुमार, मेघनाथ, नरांतक। क्या गोविंदा? मुझे लगा बोला सर गोविंदा है। कौन सा वाला? अक्षय पुरी, अक्षय कुमार। अक्षय कुमार पे ताला लगाया जाए? गलत जवाब, नरांतक था। सर आपने क्या घुमाई जैसी? सर आई एम गिविंग वन मोर क्वेश्चन। मिल जाएगा ठीक है बच्चा। वन मोर बोले कौन है? बालीवध के दो क्वेश्चन पूछेंगे। बालीवध के पश्चात, पश्चात का मतलब होता है आगे। श्री राम ने सुग्रीव को कहां करा था? सरीलापुरी, सरीलापुरी, किष्कंधा, पंचवटी। पंचवटी लॉक कर दो। पंचवटी पर ताला लगाओ। सर वो तो पहले से वहां पे ताला लगा। बहुत शानदार, ये जवाब इनका बिल्कुल गलत है। अबे बेटा, बाली का वध के बाद सुग्रीव पंचवटी कहां पे थी? लंका में थी ना? बताएं सर, बताओ। कोई नहीं मिला एक क्वेश्चन, तो हम बताएंगे। ठीक है, श्री राम और लक्ष्मण जी किस ऋषि के साथ जनकपुरी गए थे? किस ऋषि के साथ जनकपुरी गए थे? फर्स्ट ऑप्शन है ऋषि वाल्मीकि, बी ऑप्शन है ऋषि विश्वामित्र, सी ऑप्शन है ऋषि वेदव्यास। बृहस्पति, देखो वाल्मीकि, विश्वामित्र या वेदव्यास। राम जी पता है ना स्वयंवर में सीता जी के, इन ऋषि के संग वो गए थे। वेदव्यास, वाल्मीकि, विश्वामित्र। जल्दी आंसर करिए मैडम। दो आंसर, आप एक आंसर गलत बता दिया है, ये इसके बाद बोले। वाल्मीकि के फाइनल, फाइनल ऑप्शन ए पर ताला लगाया जाए। लग गया ताला, और ये बिल्कुल गलत जवाब है। अब आएगा आपके पास ऋषि, आपसे पूछा है श्री राम और लक्ष्मण जी के संकेत जनकपुर गए थे स्वयंवर में, तो ऑप्शन है बेटा ऋषि वाल्मीकि, ऋषि विश्वामित्र या वेदव्यास। विश्वामित्र पर ताला लगाया जाए, और ऋषि विश्वामित्र का राइट ऑप्शन। और अरे ताली बजा दो बॉयज, द बॉयज। देखो नंदा, जय श्री राम, जय जय श्री राम। जीतेगा कौन? तुम लोग भी बोलो यार, तुम लोग क्या मोरी ने भी इधर रखना, एकदम एडिटर को रानी के पिता का नाम क्या था? राजा गंधदेव, इंद्रासन, राजा सुबाहु। गंधदेव, इंद्रासन, सुबाहु। रानी केके के पिता का नाम गंधदेव, इंद्रासन, सुबाहु।
एक ऑप्शन और देते, अश्वपति, अश्वपति, इंद्रासन, राजा सुबाहु या गंधर्वी। ऑप्शन ये है, ऑप्शन बी, पता लगाया जाए। राजा गंधदेव, उनका नाम गंधदेव लेकिन गंधगिरी प्राची है। तो ऑप्शन बी पता लगाया जाए, बिल्कुल ये गलत जवाब है। ऑप्शन राइट हैगा अश्वपति, क्या आएगा इधर नहीं गया आपने, बता देते हो। अब नेक्स्ट टाइम से देंगे डियर फ्रेंड, ठीक है। वाल्मीकि रामायण में कुल कितने श्लोक है? 21,000, 22,000, 23,000, 24,000, 21, 22, 23, 24, कितने हजार श्लोक? 21, 22, 23, 24। ध्यान में जाती हुई गर्ल्स की टीम, 21,000। डिस्कशन कर दूंगा मैं, लॉक कर दे, पक्का लॉक कर दूंगा। 1, 2, 3 ताला लगा जाए ऑप्शन पे। 21,000 श्लोक बताया जा रहा है रामायण में, बिल्कुल ये गलत जवाब है, 24,000 सही उत्तर है। ऑल राइट, अब बॉयज की तरफ भी शिफ्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, रामायण महाकाव्य की रचना किस ऋषि ने, रामायण महाकाव्य की रचना ऋषि वाल्मीकि ने मूल रूप से किस भाषा में की थी? संस्कृत में की थी, देवनागरी में की थी, अवधी में की थी? एकदम क्लियर कट जवाब है, संस्कृत, देवनागरी, अवधि। ऑप्शन ये ट्रांसफर हो जाएगा बहुत गलत, ऑप्शन बी पर तला लगाया जाए। हाँ सर, देवनागरी, देवनागरी। कैमरा पर्सन को छोड़ बोल रहा है, चलो ऑप्शन बी पता लगा जाए, बिल्कुल गलत जवाब। संस्कृत में लिखी गई थी, किसमें लिखी गई थी? भूल गए, भूल गए, दो पूछ ले आपसे, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। मेरा ऐसा कोई सेक्शन होगा जहाँ पर पेंट कर ही भूल जा रहा है, हालांकि ऐसा होता नहीं, लेकिन हमें रूल लग गया है। गर्ल्स है हमारे द गर्ल्स, देवी अहिल्या जिसको उनके पति गौतम ऋषि ने शिला बनने का शाप दिया। अहिल्या के पति का नाम क्या था बेटा? गौतम ऋषि। इन्होंने तो कहा था कि आप पत्थर बन गए, उनका उद्धार किसने किया? पहला ऑप्शन है भरत, दूसरा ऑप्शन है श्री राम, तीसरा ऑप्शन है लक्ष्मण जी। बहुत शानदार, ऑप्शन डी पर ताला लगाया जाए, बिल्कुल सही जवाब श्री राम, क्या बात है। इनमें से कौन से ऋषि थे, इनमें से कौन से ऋषि थे जिनका जन्म एक क्षत्रिय कुल में हुआ था, किंतु उन्होंने अपने तपोबल से खुद को ब्रह्म ऋषि बना लिया, तपोबल से कहने के ब्रह्म ऋषि बना लिया? ऑप्शन है आपके पास गौतम, वाल्मीकि, वशिष्ठ या विश्वामित्र? अपने तपोबल से अपने आप को ब्रह्म ऋषि बना लिया, लॉक कर दे विश्वामित्र को, लॉक कर दे पक्का। चलिए विश्वामित्र पर ताला लगाया जाए, बिल्कुल सही जवाब, क्या बात। रामायण में हनुमान जी को उनकी खोई हुई शक्तियों का स्मरण किस शानदार संत ने करवाया? विभीषण ने, लक्ष्मण ने, राम जी ने या जा महंत ने? जामवंत, लॉक किया जाए, चलिए लॉक किया जाए, ताला लगाया जाए, बिल्कुल सही जवाब, क्या बात है, जामवंत।
कुबेर के पास मौजूद किस विमान को रावण ने, कुबेर के पास से जो रावण ने चुरा लिया था विमान, युद्ध करके छीन लिया था, उस विमान का नाम बताओ। गरुड़, पीपी, पुष्पक, एरावत, एरावत, पुष्पक, गरुड़, एरावत, एरावत, एरावत पर ताला लगाया जाए। बिल्कुल गलत जवाब बॉयज, इसमें पुष्पक विमान था। ताली बजा दो। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बॉयज से। जब रावण माता सीता का हरण करके ले जा रहा था तब किस पक्षी ने रोकने की कोशिश की? फर्स्ट ऑप्शन है बाज, बी ऑप्शन है हंस, बीच में थोड़ा थोड़ा होना चाहिए। क्या सर नो तब मैंने कहा क्या बोल रहे हैं? जटायु, थर्ड ऑप्शन जटायु। हमें तो क्विज डाल दे क्वेश्चन में, जटायु का कौन सा पंख काटा था बताओ। राइट एंसी क्विज में डाला हमने। गर्ल्स में से बोल रही हूँ। चलिए बेटा सही ऑप्शन है, बिल्कुल सही जवाब। तालियां हो जाए यार, एक बार हो जाए जोर से। जय श्री राम। माता सीता की खोज गए हनुमान, माता की जब सीधा माता सीता की खोज गए हनुमान जी गए। समुद्र में रहने वाली नाग माता ने रोका था, जिसके मुंह के अंदर घुसकर हनुमान जी बाहर निकल गए थे, उनका नाम क्या? शूर्पणखा, ताड़का, सुरसा, इसको पूरी रामायण याद है कहेगा? त्रिजिटा पर ताला लगाया जाए। बिल्कुल गलत जवाब, त्रिजिटा नहीं है बॉयज। माता सीता की खोज, हनुमान जी जिसके मुंह के अंदर घुसकर गए थे, उस राक्षस का नाम आपको बताना है। ताड़का, शूर्पणखा, सुरसा या त्रिजिटा? सुरसा, सुरसा इज द राइट ऑप्शन। ऑल राइट, क्या बात है। त्रिजिटा तो उनकी फ्रेंड बन गई थी माता सीता की। कोई बात नहीं भाई, कैप्टन डिसाइड कर लिया करो। कैप्टन कौन है आपके इसमें? अरे कहां ला रही है, ये है कैप्टन, ये है कैप्टन। चलिए चलिए दूर से रामायण, आप बॉस के पास थे। रामायण ने, रामायण में भगवान शंकर किस अवतार में मौजूद थे? श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान या अंगद? रामायण में भगवान शंकर किस अवतार में थे तो बोल रही है किस रूप में? अंगद के रूप में। हनुमान जी को ऐसे हाथ लगा के बोल, किसके रूप में थे? बिल्कुल सही जवाब, ताला लगाया जाए। सही जवाब। लक्ष्मण जी ने, गर्ल्स, लक्ष्मण जी ने रावण को किन, लक्ष्मण जी ने रावण की बहन के नाक और कान काट दिए, उसका नाम था? इसका नाम भी था सुमेरा, मंदोदरी, ताड़का, शूर्पणखा। एक ट्विस्टिंग क्वेश्चन आपसे पूछा, शूर्पणखा उसका नाम क्यों पड़ा? तुम्हारी नाक कैसी? गुफा जैसी? बेटा शूर्पणखा, शूर्पणखा, शूर्पणखा जिसके नाखून, नाम क्या पड़ा? शूर्पणखा। इतनी सुंदर बनकर आई थी ना माय डियर, जब राम जी को वो करने गई थी, इंप्रेस करने गई थी। राम जी तो कितने सुंदर माय डियर प्रभु। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी, गलत बताना इन लोगों ने,
रानी केके को किस दासी का, रानी केके की किस दासी का क्या नाम था जिसने राम को वनवास के लिए अहम भूमिका निभाई? ऑप्शन ए का आपको सुना, सिंधु कीर्ति, त्रिजटा। वनवास राम जी को किसने भेजा था, किसने कान भरे थे, मतलब वो बेड बैठिंग किसने करी थी, सुलोचना ने करी थी, त्रिजटा ने करी थी या मंथरा ने करी थी? मंथरा कौन है? मंथरा क्या रहेगा राइट ऑप्शन? मंथरा। क्या बात है, जोरदार। हनुमान जी ने माता सीता को अशोक वाटिका में श्री राम की निशानी की, बड़े बहुत ध्यान से सुनना, धीरे बोलो। हनुमान जी ने माता सीता को अशोक वाटिका में श्री राम की निशानी के रूप में कौन सी वस्तु दी? मालूम है, ऑप्शन ही दिया सुन लो, ऑप्शन क्या है? कुंडल, कड़ा, वस्त्र, मुद्रिका। भाई तू करना क्या चाह रहा है? बता रहे ले भैया, इसके इमोशन कंट्रोल नहीं हो रहे, इसको जल्दी से आगरा की। प्रभु श्री राम ने जिस शिव धनुष को तोड़ा था सीता की विवाह में, उस धनुष का क्या नाम था? अब बताओ, दम हो तो ये गर्ल्स के पास शिफ्ट होगा। पिनाका, उनके धनुष का नाम क्या था जो राम जी ने तोड़ा था? पिनाका, सरोही, त्रिखंड। पिनाका, सरोही या त्रिखंड? वॉइस को बोलना, कैसी कैसी बात कर रही है। बिना जवाब गर्ल्स बताओ बच्चा, प्रभु श्री राम के जिस धनुष को राम जी ने तोड़ा था उसके नाम का बताइए। त्रिखंड, पिनाक, सरोही। पिनाका, सरोही या त्रिखंड? त्रिखंड तो गलत हो गया, सरोही और पिनाका बचाओ। माफ लगाओ, 1, 2, 3, सरोही, पिनाका, त्रिखंड। अरे इससे पूछिए, ज्ञानी है बहुत बड़ा, उसको सब याद है, उसको चारों वेद शास्त्र पुराण सब याद है। पिनाका, सरोही या त्रिखंड? क्या राइट ऑप्शन? लॉक कर दें, लॉक, ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब, क्या बात है। हनुमान जी के पुत्र का क्या नाम था? अतिबल, सुमेरु, मकरध्वज। अतिबल, सुमेरु, आप सही है, मकरध्वज। मकरध्वज श्योर हो एकदम? ताला लगा दें, 1, 2, 3 स्टार्ट, ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब, मकर ध्वज, क्या बात। माता सीता के पिता जनक कहां के राजा थे? बराबर हो गया पहले, बताइए एक बार, हो जाए। जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव, एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। माता सीता के पिता जनक कहां के राजा थे? पंचवटी, किष्किंधा, मिथिला, अयोध्या। सारा लग जाए मिथिला तो, सर तो खुल गया वाकई। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बिल्कुल आपका गलत जवाब नहीं है, सही जवाब है। अभी जो मिथिला आएगा उसको जनकपुर कहा जाता है, क्या बोलते हैं? जनकपुर। एक बहुत शानदार भजन है, आप कहो तो सुना दूं मैं आपको, रिगार्डिंग
बहुत ही शानदार भजन है इसी से मिथिला से। राम जी से पूछे अवधपुर की नारी, बता दे बबुआ काय रेत काय गाली। सुना दिया भजन मैंने। लंका नगरी में हनुमान जी को द बॉय द लंका नगरी में हनुमान जी को किस अस्त्र से बंदी बनाया गया? नागपाश, ब्रज्र अस्त्र, खड़ग, ब्रह्मास्त्र। तारा लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब है, बहुत शानदार। तारे तो बजा दो बॉय। नेक्स्ट हाउ मेनी क्वेश्चंस बट 17 हैबिट ऑन कर। वनवास के दौरान प्रभु श्री राम ने वन में किसके जूठे बेर खिलाए थे? हां सर, ये भी बता दीजिए। सबरी, मंदोदरी, सबरी, सबरी। क्या है सही जवाब? हनुमान चालीसा में राम नाम का उल्लेख कितने बार किया है? हनुमान चालीसा में राम नाम का उल्लेख इन हनुमान चालीसा हाउ मेनी टाइम्स द राम नाम इज मेंशन? इंग्लिश में भी बोल देता हूँ। 5, 7, 10 या 40। 5, 7, 10, 14। ऑप्शन डी पर ताला लगाया जाए। बिल्कुल गलत जवाब। गर्ल्स, राम नाम का उल्लेख, राम नाम का नाम कितने बार लिया गया हनुमान चालीसा के अंदर, ये आपको बताओ। 5, 7, 11, 14। यहाँ पे ध्यान में जाती है चलिए ध्यान लगाओ। टिक वन टू 20 तक में गिनने वाला था। हम नाइन सेल्फी करेंगे, हम लगता है मैं देखकर नाइन सेल्फी करेंगे। द गर्ल्स के संग द गर्ल्स, यही मुश्किल सवाल सर मारा है। चलिए बताइए 5, 7, 11, 14। टिक वन 11 इज द राइट ऑप्शन। क्या बात, हनुमान चालीसा की किस चौपाई के अंदर? गल से ये किस चौपाई के अंदर अर्थ से सन की डिस्टेंस को मुंशीदास बाबा ने बताया, उस चौपाई का नाम बताना है। ये ऑप्शन, ये क्वेश्चन नहीं, इसमें ही नहीं क्वेश्चन है, तो मैं मन से बनाया हूँ। बताओ, कई बार जिक्र किया है, हनुमान चालीसा एक बार रिवाइज कर लो। किस लाइन में इसको स्मरण रखना, ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहे आपसे, बाद में बताएंगे बताना। ऑल राइट, चलिए जब श्री राम ने सीता का त्याग कर दिया तब वह किस ऋषि के आश्रम में थी? हाँ सर, ये भी बता। सांदीपान, वाल्मीकि, ऋषि, विश्वामित्र। लॉक कर दे, चलिए लॉक करा जाए। बिल्कुल सही जवाब, क्या बात है। देवराज इंद्र के अस्त्र का नाम क्या था? द बॉय। देवराज इंद्र के अस्त्र का नाम को बता दे। इंद्र भगवान, एक इंद्र देव है भगवान। इंद्र देव के अस्त्र का नाम क्या था? वज्र, खड़ग, धनुष, चक्र।
ऑप्शन वज्र खड़ग धनुष चक्र। वेदांत को बेटा नॉलेज है, समझा है, उससे पूछो आप वो जिता देगा आपको। हाँ वज्र खड़ग धनुष चक्र, वज्र का मतलब ही पता, वज्र का मतलब होता है एक तलवार जैसा होता है जो चौड़ा होता है, खड़ग का मतलब तलवार और धनुष का मतलब तो पता होगा, मार के बताए धनुष। खड़ग लॉक कर दे, गलत जवाब है बच्चा। गर्ल्स देवराज इंद्र के अस्त्र का नाम क्या था? खड़ग वज्र धनुष चक्र। खड़ग धनुष चक्र वज्र, वज्र इज द राइट ऑप्शन, लॉक कर दीजिए। वज्र इज द राइट ऑप्शन, क्या बात है, क्या बात है। हनुमान जी की और किस नाम से जाना जाता है? शिव पुत्र, ब्रह्म पुत्र, पवन पुत्र, दशरथ पुत्र। हनुमान जी को किस नाम से जाना जाता है? शिव पुत्र, पवन पुत्र, धर्म ब्रह्म पुत्र, क्या पवन पुत्र, क्या बात है, बहुत शानदार। अब हम आ गए हैं माय डियर 20 को है ना, ताली बजाओ यार। जय श्री राम, जय श्री राम। बॉयस अब अच्छा क्वेश्चन पूछेंगे हम आपसे, मतलब अच्छा मतलब टोटल लगाया जाए, जोर से लगाना बेटा, व्यूअर्स को पता चले। बताओ ये बोल 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 के लगा दो है। दो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसके बाद सेशन हम खत्म करते ठीक है। राम जी को 14 वर्ष का वनवासी क्यों हुआ था, 16 वर्ष का क्यों नहीं हुआ, 20 वर्ष का क्यों नहीं हुआ, ये प्रश्न है हमारा बॉयस से। इसके पीछे आपको रीजन बताना है, इसमें ऑप्शन नहीं है। दो ऑप्शन दे दे आपका दया आ गई आपको, क्योंकि रावण की आयु 14 वर्ष ही शेष थी। दूसरा ऑप्शन, राम जी को अयोध्या का राजपाट संभालना था, अगर 14 वर्ष बाद वो अगर 16 वर्ष के लिए जाते तो जो माता कौशल उनका वेट कर रही थी, ठीक है, हर मदर वेटिंग हर सन, तो वो मृत्यु को प्राप्त हो जाती। बताइए क्या रीजन है इसका? अयोध्या लेट पहुंचने का रीजन था कि इसे 14 वर्ष का कर दिया, या रावण की आयु 14 वर्ष ही बाकी? ऑप्शन ये का कि बिल्कुल श्योर है, पक्का लॉक कर दूं, लॉक कर दूं, थ्री लॉक किया जाए। बिल्कुल आप दोनों का ही माय डियर जो सवाल था जवाब है, बॉयज लोगों का भी गलत जवाब है, गर्ल्स लोगों का बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अब क्या कंफ्यूजन है, आपने कहाँ से लिख लिया? चलिए ये राउंड में अपन रैपिड फायर राउंड करते हैं बेटा, इसको पॉज कर लो, नई वीडियो बनाओ। व्हाट इज इट, हेड आए, पहला क्वेश्चन किसे पूछेंगे हम? बाय पहला प्रश्न हमारा आपसे ये है,
ठीक है। श्री राम जी की खड़ाओ किस भाई ने ली थी? श्री राम जी की खड़ाओ खड़ाओ किस भाई ने ली थी? जल्दी हनुमान चालीसा में किस लाइन में पृथ्वी से सूर्य की दूरी बताई गई है? अरे छोटा सा साथ बोल कर बताओ। बोलना भी है रैपिड फायर का मतलब बोलना भी है। ओ इधर ट्रांसफर नहीं होगा। हाँ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। रामायण में कुल कितने कांड हैं? इन सातों कांडों के नाम बताइए। सात कांड इनके नाम बताओ। बोलो जल्दी बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री राम के धनुष का नाम क्या था? जल्दी बताओ। श्री राम जी के धनुष का टाइम अप। आप बताइए श्री राम जी की मुलाकात किस ऋषि से सबसे सर्वप्रथम हुई थी? गल्स। पहले ऋषि का नाम है अगस्त, सेकंड ऋषि का नाम है गौतम। यस जल्दी टाइम नहीं है। अगस्त ठीक है। हनुमान चालीसा के किस लाइन में तुलसीदास जी ने सूर्य और पृथ्वी की दूरी को बताया? चौपाई का नाम बताइए और गाकर बताना। रामायण के सातो कांडों का नाम बताइए। जल्दी करो टाइम हो रहा है। श्री राम के धनुष का नाम इतना टाइम नहीं चाहिए। ऑप्शन नहीं है इसमें, दोनों ऑप्शन मिल नेक्स्ट प्रश्न। रामायण में कुल कितने श्लोक हैं? 24 श्लोक रामायण खत्म। नहीं सर 24 श्लोक से रामायण खत्म नहीं। 24,000। भरत और लक्ष्मण में दीर्घ कौन था, मतलब बड़ा कौन था? लक्ष्मण। बड़ा भाई कौन था? राम जी से छोटा। राम जी से छोटा। जल्दी आंसर करो। लक्ष्मण। भरत सबसे छोटा था इसलिए वैसे इसको बनवास। गलत जवाब। राम जी के छोटे भाई का नाम था भरत। भरत जी छोटे थे, लक्ष्मण जी उनसे बड़े थे। राम जी के छोटे भाई का नाम क्या था? भरत। यस और नो आप ध्यान रखना, इसमें तो कुछ पता नहीं चला। आप लोगों ने सात कांडों के नाम बताए? नहीं बताए। बालकांड बताया, अयोध्याकांड बताया, किष्किंधा बताया, और कुछ बताया? लंकाकांड बोला, उत्तरकांड बोला आपने। टाइम नहीं मिलेगा ना मैडम, क्यों मिलेगा टाइम? फटाफट बोले ना, आंसर करना है। वो जो लाइन है ना जिसमें हनुमान जी ने तुलसीदास बाबा ने बताया, उस लाइन का नाम बताए, किसको बताए? नहीं सर। अगर ये ऑप्शन जिसने बता दिया वही विजेता होगा आज के सेशन का। चलिए हनुमान चालीसा किसको आती है? सोचो माइंड में, स्मरण करो लाइन, याद करो वाली, और फिर हिंट दे, यहां से आता है नाम, यहां से। हमारा तो आज भजन हो गया यहां पे। टिक टिक वन, टिक टिक टू, टिक टिक थ्री, ऑप्शन चाहिए आपको। यू नीड ऑप्शन। ऑल राइट। ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, ऑप्शन नंबर वन। ऑप्शन नंबर टू,
संकट से हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जुड़ावे। पहला हो गया नासर भरे सा पीरा, दूसरा हो गया संकट से हनुमान छुड़ावे, थर्ड ऑप्शन हो गया भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जन नाम सुनावे। बताओ तीनों में कौन सा ऑप्शन? गर्ल्स के टीम ध्यान में जाती हूँ वापस आने लगता है। नासिर भरे सा पीरा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, संकट दे हनुमान छुड़ावे। एक ऑप्शन दे, युग सहस्त्र जोजन पर भानु, यही है, यही है। चलिए एक और पूछ लें, लाइन याद रखना, क्या है लाइन? युग सहस्त्र जोजन पर भानु, ले लो ताही मधुर फल जानू, ठीक जानू, ठीक। अब एक क्वेश्चन और पूछते हैं आपसे, अच्छे क्वेश्चन है ये। राम जी के जो भी 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, जब राम जी जब अयोध्या आए थे तो उनके साथ में कितने देश के राजा आए थे माय डियर, ये आपको बताने हैं, ठीक है। ऑप्शन ए हैगा लंकापति विभीषण जी आए थे, ऑप्शन बी है सुग्रीव आया था, ऑप्शन सी हैगा हनुमान जी के फादर का नाम क्या था, केसरी, केसरी नाम था उनका, केसरी जी भी आए थे। बताना आपको कौन कौन आया था मैडम, लंकापति रावण आए थे, लंकापति विभीषण आए थे, केसरी नंदन आए थे, केसरी जी आए थे, या वो आए थे सुग्रीव, आए थे तीनों आए थे, शोर एकदम, आप बताइए। पापा तो वही नहीं, यस सर नो, बिल्कुल सही बात है, सही लॉजिक है। अच्छा तो सही, आप सही पहले आप लोगों ने बताया, चलिए ठीक है, रुक जाओ अभी, अभी कोई फैसला नहीं हुआ। एक आगे क्वेश्चन पे छुट्टी, मैं खड़ा हो गया, छुट्टी कर दूंगा, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये कि किस वानर ने लंका में एकदम टाट ठोके कहा था कि मेरा पक्का अंगद के पुत्र का नाम बताइए, बहुत से गर्ल्स, चलो अंगद के पिता का नाम बताइए, बता दिया सर। क्या बताया? बाली बता दिया, ठीक है। किसने बताया? शायद सर हमने बताया, सर आपने बोला सर, लास्ट सर आपने पूछा अंगद, हमने खाई, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक और कर लेते हैं, चलिए आराम से बैठा जाओ, जाने क्या राज डर गया, पता है आप डर गया, हार जाएंगे, जीत जाएंगे, जीत जाएंगे, हार लगी रहती है। गर्ल्स के टीम में आने के बाद यही होता है, पता हार जीत तो लगी रहती, अभी बॉयज के टीम में होता ना, बोलता कि सर हम जीतेंगे, ठीक है। नहीं नहीं देखिए क्वेश्चन ये है, आपको बताना है कि हनुमान जी जब लंका पहुंचे, हनुमान जी जब लंका पहुंचे तो उनको सीता माँ तक जाने का किसने बताया? सर मैं बता, सर जो राम भक्त होता है ना, उसके बाद तुलसी का पौधा लगा।